हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज जी हम एक स्प्रे पंप का चार्जिंग रिपेयरिंग करेंगे। तो ये हमने स्प्रे पंप का चार्जर ले लिया है, इसमें फॉल्ट क्या है वो भी दिखाएंगे आपको। इसमें फॉल्ट ये है कि ग्रीन लाइट जल रहा है, रेड लाइट ये हमारा थोड़ा सा ग्लो हो रहा है। ये देखो हमारा ग्रीन लाइट जल रहा है। मैं इसको सबसे पहले स्प्रे पंप में लगा के आपको दिखाता हूँ। इसके लिए एक मिनट, ये हमने स्प्रे पंप में लगा लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम, और फिर देखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्प्रे पंप में लगा लिया है। तो ये हमारा थोड़ा सा केबल भी फॉल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम बाद में केबल भी चेंज कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ से हमारा केबल का भी फॉल्ट है थोड़ा सा, वो भी देखेंगे कि केबल की वजह से ये नहीं प्रॉब्लम हो रहा है ना। ये देखो हमारा ग्रीन लाइट हो गया, अब हम एसी सप्लाई देंगे। ये देखो रेड लाइट हो रहा है मगर कम ग्लो हो रहा है, थोड़ा सा ही हो रहा है और ग्रीन साथ में जल रहा है। तो इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है वो सबसे पहले हम इसको खोल के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल के इसको हम खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारा क्या फॉल्ट है। यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर से। इस चार स्क्रू होते हैं इसमें हमारे। और वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी, और जो भी नया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमारा क्या फॉल्ट है। यहाँ से हम चारों स्क्रू निकाल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम ये सारा स्क्रू निकाल लिए हमने, अब हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकली इसमें देखेंगे कि इसमें हमारा क्या दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे मेरे को कैपेसिटर फूला हुआ दिख रहा है। मैं एक मिनट कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा होगा। ये देखो ये फूल गया है हमारा। तो यहाँ पे हम ये पुराना वाला कैपेसिटर निकाल के हम यहाँ पे नया वाला लगाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से इसको निकाल लेंगे बाहर, फिर इसमें नया वाला लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा सही हो जाता है या कुछ और भी फॉल्ट है इसमें। ये हमने कैपेसिटर को निकाल लिया है, यहाँ से हम डिसोल्डिंग करके अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ से हम निकाल लिया है कैपेसिटर को, यहाँ पे हम नया वाला लगाएंगे। यहाँ पे हम नया वाला कैपेसिटर ले लिया है। इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड है, 400 वोल्ट या 450 वोल्ट का भी लगा सकते हो आप। इसका प्लस माइनस देखना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो हमारा पट्टा वाला है वो माइनस है, नेगेटिव है, और इस साइड का हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे हम कैपेसिटर को सोल्डरिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो यार, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। यहाँ पे आपको बिल्कुल नई नई जानकारी मिलती रहेंगी, और यहाँ पे आपको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। ये देखो हम कैपेसिटर को सोल्डरिंग कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा ड्राई सोल्डरिंग ना होना चाहिए, और अच्छी तरह से सोल्डरिंग करेंगे। फिर इसको चलाएंगे, देखेंगे कि हमारा सही हो जाता है या नहीं हो रहा है। ये हमने सोल्डरिंग कर लिया है, अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए हम मीडियम ने लगा लिया है स्प्रे पंप में। ग्रीन लाइट हो रहा है, स्प्रे पंप से आ रहा है। ये देखो हमारा रेड लाइट हो गया, ये रेड लाइट अच्छी तरह से ग्लो हो रहा है। कैमरे की वजह से आपको ब्लिंकिंग दिख रहा है, मगर ये प्रॉपर हमारा रेड लाइट हो गया है। ये हमारा छोटी सी कैपेसिटर का फॉल्ट था, इसकी वजह से ये हो रहा था। और इसी तरह से हम अलग अलग चार्जर का वीडियो बनाएंगे,